नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णपाल राठौर। और तमाम संत, जी हां, इस वक्त बता दें कि तमाम संत धर्म के आसन पर बैठे हैं गीता भवन में, लेकिन संत ही सरकार बनाते हैं और सरकार से संत गुहार लगा रहे हैं राम मंदिर की, उसी को लेकर हम तमाम संत से चर्चा कर रहे हैं। आपसे बात कर लेते हैं कि क्या सरकार राम मंदिर नहीं बनाती है तो क्या कहेंगे, क्या करना चाहेंगे? ये बहुत विषम परिस्थिति है। सरकार और शासन के भी अपनी मान्यताएं हैं, उसकी एक मर्यादा है। सर्वोपरि भारत का संविधान है और ऐसे में राम मंदिर का निर्माण समन्वय के साथ हो तो अधिक समयोचित रहेगा और उसका सर्वथा जो परिणाम है शुभ होगा। अन्यथा बलात् हटकर जोर जबरदस्ती से मंदिर का निर्माण एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है पूरे देश में और देश के साथ साथ पूरे विश्व में। सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करेंगे आप? इंतजार करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर अगर बनाना है तो इस बात का प्रेशर होना चाहिए कि निर्णय जल्दी हो, जो इतने वर्षों से लटका हुआ है उसका निर्णय शीघ्र होना चाहिए। और तो राम मंदिर निर्माण तो होना है, क्योंकि जन्म का स्थान ऐसे तो अनेक स्थान होते हैं, अनेक मकान आदि बना लेता है, पर जन्म तो एक ही जगह होता है। जन्म स्थान होने के कारण राम मंदिर का निर्माण तो होना चाहिए, परंतु ऐसा न हो कि एक मंदिर के निर्माण में हजारों मंदिर टूट जाएं। जी, ऐसी हिंसा, ऐसी उग्रता, ऐसा आवेश, ऐसी प्रतिक्रिया, खतरनाक प्रतिक्रिया न हो, इस बात का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि अयोध्या में राम को जगह नहीं मिल सकती तो ऐसे में संत समाज क्या कदम उठा सकता है? ऐसे में आस्था का प्रश्न है और आस्था का अर्थ है जीवन और मृत्यु। राम के जन्म के संबंध में, जन्मस्थान के संबंध में कोई विवाद नहीं है। सर्वथा प्रामाणिक सूत्रों से, इतिहास की दृष्टि से सर्वथा वो सिद्ध है कि राम जन्मभूमि है, राम जन्म का स्थान है। और ऐसे में जो संबंधित न्यायाधीश हैं उनके सामने भी एक बड़ा संकट है, परंतु केवल नियम कानून संविधान ये सब भी ये सहृदय नहीं होते, इनमें संवेदना नहीं होती, ये तो बड़े रूखे और केवल तर्कों पर आश्रित होते हैं। ऐसे में आस्था का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा प्रतिक्रिया उग्र हो सकती है और उस उग्र प्रतिक्रिया को गलत नहीं कहा जा सकता। सरकार को कितना जिम्मेदार मानते हैं आप, क्योंकि सरकार ने कई बार राम मंदिर के नाम पर सरकार बना ली लेकिन राम मंदिर नहीं बनवाया, तो कितना जिम्मेदार सरकार आपके अनुसार है? सरकार की अपनी सीमाएं हैं और ये केवल राम मंदिर का मसला अपने देश का ही नहीं है, इसकी प्रतिक्रिया इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए बहुत सावधानी से और बहुत ध्यान रखते हुए ये करना पड़ेगा। इसे सरकार को हम दोषी इसलिए नहीं कह सकते हैं कि उनकी अपनी विवशताएँ हैं, मजबूरियाँ हैं। यद्यपि आज वर्तमान जो शासन है और केंद्र सरकार है उसमें जिस तरह का बहुमत है एक पार्टी को और जिस तरह की शक्ति और सामर्थ्य भी है, आगे रहेगा कि नहीं रहेगा कहना तो बड़ा मुश्किल है, परंतु अब नहीं बना तो फिर कब बनेगा, एक प्रश्न गंभीर खड़ा होता है सामने। 2019 तक अगर राम मंदिर का फैसला नहीं आता है तो ऐसे में क्या मोदी सरकार गिर सकती है? अब ये तो हमारा विषय भी नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है। राम मंदिर का निर्माण हो चाहे मोदी सरकार कराए और चाहे अन्य कोई महागठबंधन जो हो रहे हैं उनके द्वारा निर्माण हो, हमारा लक्ष्य है मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और जो हमारी श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, उसको सम्मान से उसे ठेस ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। राम मंदिर निर्माण श्रद्धा और विश्वास का विषय है और ऐसे में कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति राम मंदिर का निर्माण कराए वो हमारे लिए सम्मान्य है, वो हमारे लिए आदरणीय है और वो हमारे लिए सब प्रकार के कार्यों को संपन्न करने में श्रेष्ठ और अग्रणी है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
तमाम संत समाज की ये गुहार है कि राम मंदिर बनना चाहिए, चाहे कोई सी भी सरकार बनाए। हमें सरकारों से मतलब नहीं है साहब, हमें राम से मतलब है। जी हाँ, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं। एक भव्य मूर्ति राम मंदिर प्रभु श्री राम की बन रही है, 221 फीट की बताई जा रही है कब उसका निर्माण होगा, लेकिन उससे पहले राम मंदिर पर फैसला आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, सरकार के लिए भी और संत समाज के लिए भी। फिलहाल आप ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए घमासान.com।